बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं। हेलो नमस्ते सस्या खार, आई एम गौरव शर्मा, बैक अगेन ऑन माय चैनल कुक विद गौरव। और आज आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा वेदर है, बारिश चल रही है दो तीन दिन से, तो आई थॉट कि आज थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा स्पाइसी खाना बनाया जाए। तो आज मैं बनाऊंगा पाव भाजी। तो बहुत सी वेजिटेबल स्टाइल के भाजी बनाएंगे, पाव एकदम बटर में मटल करके हम खाएंगे। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे देख के आप भी फॉलो कर सकते हो रेसिपी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अगर अब तक नहीं करा है। और अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देखिए ऑयल गरम कर लिया, हल्का सा ऑयल गरम करना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तेल गरम हो गया है, गैस मैंने अभी मीडियम आंच पे डाल दी है। और यहाँ पे ये जीरा और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और अब एक एक करके वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे अपने। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैंने लिया है फूल गोभी, बीन्स, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। यहाँ पे है आलू, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, और साथ में टमाटर। इसको हम पहले थोड़ा सा स्टर कर देंगे, ताकि ये जो मसाला मैंने पाव भाजी मसाला इसमें डाला है वो सब्जियों में एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए ये सारी वेजिटेबल्स इसमें हमने डाल दी हैं। अब इसमें डलेगा पानी इसको बॉईल करने के लिए। आपको सब्जियों को गलाना है तो पानी मैंने इसमें हाफ बॉल पानी डाला है, बड़े वाला जो होता है। और इसमें मैं दो से तीन बिसल लगवाऊंगा इसको मीडियम आंच पे, और फिर हमारी जो सब्जियां जो हैं ये पक जाएंगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपना वो करेंगे। अभी बाकी वेजिटेबल्स तो हमने डाल दिए हैं, लेकिन अभी ये शिमला मिर्च इसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो इसको हम जब फ्राई करेंगे तभी डालेंगे। तो इसको हम चॉप करके रख लेंगे। अब हम वैसे ही अनियन को भी हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये तड़के में डायरेक्ट हम डालेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक इनको चॉप कर लिया मैंने, और ऐसे ही हम इनको फ्राई करेंगे बाकी सारी सब्जियों के साथ। तो यहाँ पे हमारी तीन बिसल आ चुकी हैं, सब्जियाँ हमारी पक गई होंगी। अब मैंने इसको बंद कर दिया है, अब इसे खोल के हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स हमारे हो गए हैं, अब इसको थोड़ा मैश करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे भाजी की तरह बनाने के लिए। तो इसको मैं इसे वेट से मैश कर लूँगा। थोड़ा सा अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी दिख भी रहा होगा, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद इसका हम सारा पानी जो है सुखा देंगे, बिल्कुल ड्राई एकदम बिल्कुल महीन जो भाजी होती है पाव भाजी बन जाएगी। आप देख ही सकते हो, देखो ये हो चुकी है ऑलमोस्ट। जब इसको मैं फ्राई करूँगा इसका जो एक्सेस वाटर है वो भी सूख जाएगा, और ये थोड़ी और सॉलिड इसमें हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक गई हैं सारी सब्जियाँ, और इसको मैंने सारा घोल लिया है प्रॉपरली। तो यहाँ पे अभी हम पाव भाजी को तड़का लगाएंगे, तो जो इसमें मसाले डालते हैं, तो पहले थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है इसमें, अब मैं डाल रहा हूँ बटर, क्योंकि बटर अगर अकेला डालोगे तो वो जल जाएगा, तो इसलिए कुकिंग ऑयल डालना पड़ता है, ताकि बजट जो बटर है हमारा जले ना। और साथ सबसे पहले हम ये हरी मिर्च डाल रहा हूँ मैं, उसके बाद जाएगा अनियन, और अनियन के साथ ही यहाँ पे मैं ये कैप्सिकम शिमला मिर्च डाल दूँगा। अब इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे। तो
शिमला मिर्च और प्याज को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है, पका लिया है। तो अब इसमें हम वन बाय वन मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कोरिएंडर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक आप चाहो तो बॉईल जब करते हो वेजिटेबल्स को तब भी डाल सकते हो, ये रेड चिली पाउडर और ये डेढ़ से दो बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला का इसमें जाएगा। अब हम इन मसालों को भी अच्छे से पका लेंगे। टमाटर जो है मैं साथ में ही मैंने बॉईल कर लिए थे, अगर आप चाहो थोड़ा और टमाटर डालना तो इसमें जब आप प्याज और शिमला मिर्च के साथ आप एक टमाटर भी चॉप करके और डाल सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है अगर आपने सब्जियों में ही डाल दिए, क्योंकि कटाई के लिए बाद में हम उसको सर्व तो हम वैसे भी लेमन के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे सब्जियाँ जो हैं अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, मसाले भी पक गए हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें अपनी भाजी। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना, पूरी भाजी हमारी अच्छे से बहुत अच्छे से पूरी मैश हो गई है ये भाजी और मसाले भी इसमें मिक्स हो गए हैं। इसको थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये बिल्कुल सर्व करने के लिए हमारी जो पाव वाली भाजी है रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा पाव भाजी एकदम रेडी है। अब इसको करेंगे हम गर्मा गर्म सर्व। अब देखो कितना अच्छा पाव भाजी मेरा बना है। इसको हम सर्व करेंगे यहाँ पे थोड़े से बटर के साथ, साथ में थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, लेमन और यहाँ पे गर्मा गर्म। सो आई होप आज का मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ वॉच फुल वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।